और चलिए आपको कांकेर से एक बड़ी खबर बता दें। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को 65,327 वोट मिले हैं, 21,171 वोटों से सावित्री मंडावी जीत चुकी है। तो यह बड़ी खबर भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव से आपको बता रहे हैं, जहां सावित्री मंडावी जीती हैं, 21,171 वोटों से सावित्री मंडावी जीत गई है। कांग्रेस को 65,327 वोट मिले हैं। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव से यह बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी जीत चुकी हैं, 21,171 वोटों से सावित्री मंडावी जीती हैं। इस समय हम भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है सावित्री मंडावी को एक बड़ी जीत मिली है। हम सीधा सावित्री मंडावी के पास जाएंगे, क्या कहती है सावित्री मंडावी जी? बिल्कुल 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 समर्पित, बहुत खुशी है पूरे भानु प्रताप, जरूर 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 उनके विकास जो भी अधूरे कार्य हैं, और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो सपना देखा प्रतापपुर को जिला बना दे, उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बड़े लोग का काम है और मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री, बस बिल्कुल जनता के ही संदेश देना चाहती हूँ। उन्होंने जो पूरे मतदाता जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो हमारे कांग्रेस के पक्ष में हमको वोट देकर हमको जिताए हैं। जिसके श्रेय किसको देते और कितनी खुशी लग रही है? इस जीत का श्रेय पूरे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का है, हमारे माननीय भूपेश मुख्यमंत्री जो 4 वर्षों में इतने विकास के कार्य किए हैं, और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं कांग्रेस के उन सभी का पूरा योगदान रहा। क्या मानते हैं इतने अधिक मात्रा में वोट से जीते हैं आप? बिल्कुल विकास माननीय भूपेश सरकार जो 4 वर्षों में लगातार कार्य की है, और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी 3 बार लगातार विधायक रहे हैं, उन विकास कार्यों को देखते हुए तो सावित्री मंडावी को जीत मिली है। उन्होंने बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोट से हराया है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की रेस में अब सावित्री मंडावी जीत गई हैं। बड़ी जीत कांग्रेस उनको मिली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, कुलेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, नतीजे आ चुके हैं, सावित्री मंडावी जीत चुकी हैं। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले जीत के बाद जो है सावित्री मंडावी ने बंसल न्यूज से बात की और बंसल न्यूज को धन्यवाद भी दिया कि पूरे चुनाव को उन प्रक्रिया को उन्होंने अच्छे से दिखाया। साथ ही सावित्री मंडावी ने जीत का जो श्रेय है वो कांग्रेस पार्टी को दिया है, मनोज मंडावी के काम को, और जो भूपेश बघेल ने 4 साल काम किए हैं उनको श्रेय दिया है। कहीं ना कहीं बड़ी जीत कहा जा सकती, क्योंकि इस चुनाव में मैंने कहा कि बहुत से मोड़ आए थे। हमने देखा कि अचानक से मनोज मंडावी निधन हो जाता है, फिर उपचुनाव होता है, समय कम बचता है, ऐसे में बीजेपी के पूर्व विधायक हैं उनको यहाँ से टिकट दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं काफी टक्कर काफी चुनौती साफ तौर पे देखने को मिल रही थी। लेकिन बावजूद उसके जो लीड है 21,000 का, हालांकि 27,000 का आंकड़ा को नहीं छू पाई सावित्री मंडावी, मनोज मंडावी यहीं से 27,000 के से जीते थे, 21,000 में आकर थम गई, चूंकि वोट प्रतिशत भी 71% ही यहाँ पे वोट मतदान हुआ था। लेकिन निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की इसको कही जा सकती है। जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने कमान संभाला था, तमाम मंत्रिमंडल ने कमान संभाला था, और अब जाके अंत है 5वां उपचुनाव, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस पार्टी के लिए कि लगातार 4 उपचुनाव के बाद 5वां उपचुनाव भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बहुमत से भानु प्रतापपुर में दर्ज कराई है। निश्चित तौर पे इससे तो यही लगता है कि शायद कांग्रेस के कामकाज से जनता खुश है। आदिवासी आरक्षण वाला कार्ड भी यहाँ पे नहीं चला, लेकिन सहानुभूति वोट निश्चित तौर पर यहाँ पे काम आ गया। सही प्रत्याशी का डिसीजन कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में बड़ी जीत दिलाई है। जी बिल्कुल कुलेश्वर, निश्चित ही बड़ी जीत है कांग्रेस की। 4 उपचुनाव तो कांग्रेस जीत ही चुकी थी, और अब इस जीत के साथ ही कांग्रेस 5वीं बार ये उपचुनाव जीती है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां सावित्री मंडावी जीत चुकी है, कांग्रेस प्रत्याशी जीत चुकी है। उन्होंने बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोट से हराया है। काफी चुनौतीपूर्ण ये चुनाव था, इस चुनाव के दौरान कई ट्विस्ट देखने को मिले थे, लेकिन आखिरकार जीत कांग्रेस की हुई।
कांकेर से ये लाइव तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां सावित्री मंडावी जीत चुकी हैं और उसके बाद उन्होंने बंसल न्यूज से खास बातचीत की, भूपेश सरकार को इसका धन्यवाद दिया और अपनी जीत के लिए कांग्रेस को बधाई दी। भानु प्रतापपुर कांकेर से लगातार ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बंसल न्यूज पल पल इस चुनाव की अपडेट आप तक पहुंचा रहा था और अब बंसल न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। लगातार सावित्री मंडावी का नाम आगे चल रहा था और आखिरकार अब सावित्री मंडावी जीत चुकी हैं, बड़ी जीत कांग्रेस की मानी जा रही है। कांग्रेस से कांकेर से ये लाइव तस्वीरें जहां सावित्री मंडावी जीत चुकी हैं और अब उनका स्वागत सत्कार हो रहा है, काफी खुश नजर आ रही हैं। साथ में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता यहां पर उनके साथ मौजूद हैं। स्वागत की तस्वीरें आपको इस वक्त कांकेर से दिखा रहे हैं। कांग्रेस जीत चुकी है कांकेर से, तस्वीरें आपको बता रहे हैं। अब सत्ता में सावित्री मंडावी आ चुकी हैं तो माना जा सकता है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव की रेस में अब सावित्री मंडावी जीत गई हैं। बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोट से उन्होंने हराया है और जीत के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि सरकार पर अब जनता का भरोसा कायम है। काफी चुनौतीपूर्ण ये चुनाव रहा है। चार उपचुनाव कांग्रेस पहले ही जीत चुकी थी और यह पांचवा उपचुनाव छत्तीसगढ़ में था, अब उसको भी कांग्रेस ने जीत लिया है। मनोज मंडावी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। देखिए किस तरह से सावित्री मंडावी भावुक नजर आ रही हैं। अपने पति की सीट पर वो लड़ी थी और जनता का उनको भरोसा मिला, विश्वास मिला और 21,171 वोट से वो हार चुकी हैं। काफी भावुक वो नजर आ रही हैं अपने जीत से। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में ये तस्वीरें, कांकेर से ये तस्वीरें जहां सावित्री मंडावी ये चुनाव जीती हैं और काफी भावुक वो नजर आ रही हैं।